सब लोगों के पास में माला माला है कि नहीं? सबके पास में, सबके पास में जब माला है, किसने माला कोई छोड़ कर गए नहीं? एवरीबॉडी हैव चुटकी, समबडी डोंट फॉरगेट चुटकी, चुटकी सब लोग ने माला है जब कर ली, सब अपनी अपनी माला चेक कर लो है कि नहीं, सब माला चेक कर लो, पता चले झोली झोली है माला नहीं है, उले की डी, उले की डी माला है, चुना है, लाउडली चुना है, चुटकी, एवरीबॉडी चुटकी, दिस इज द हुई चुटकी, ये तो मायावादी संप्रदाय की लग रही है, अलग संप्रदाय की, चिराग तेरी तो नहीं है, अरे वो ना दिस चटकी हुई चटकी तेरी चटकी तो कह रहा है यहाँ की तो सोलो हो गई वहां की रह गई थी अरे बोल दे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिया द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य का ये भवन है, क्योंकि ये सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण लीला में ये कौन थे पता है? कृष्ण लीला में ये कौन थे? कहते ये श्री बृहस्पति देव गुरु, ये बृहस्पति स्वर्ग के बृहस्पति देवताओं को गुरु थे, देवताओं का ये गुरु थे श्री बृहस्पति। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए तब उसी समय में ये बृहस्पति भी भगवान को लीला को मदद करने के लिए वो भी उनको साथ में आए, इसलिए इनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। जो भट्टाचार्य जो ये टाइटल बंगाल में, ये बहुत बड़े ब्राह्मण घर के ये मतलब क्या है, जो संपूर्ण भूमियों में उसी समय में ये शंकराचार्य मतलब जो फिलोसफी जो भगवान को जो जीव को जो भगवान मानने वाले जो भगवान का निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप भगवान का रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं है, ये जो मायावादी होते हैं कभी ये कभी उसमें ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और ये बड़े बड़े सन्यासियों को भी सन्यासी प्रदान करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तब उन्होंने से पुरी में आए और पुरी में आते ही हम जब पुरी में प्रवेश किया ना उसको पहले एक स्थान अटरनल वहीं से जगन्नाथ जी का ध्वजा दिखता है झंडा दिखता है। महाप्रभु बोले एक काम करो ये बताओ तुम लोग पहले जाओ नहीं तो मैं पहले जाऊंगा तुमको साथ में मैं नहीं जाने वाला मैं जाओ पहले जाओ नहीं तुम लोग तो पहले जाना तुम लोग जाना बताओ। बोले प्रभु आप ही पहले जाओ। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में आए जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए उन्होंने क्या जगन्नाथ जी को दर्शन किया जगन्नाथ जी को कौन कौन दर्शन किया हाथ उठाओ जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े आंख हाथ नहीं उनको प्यार नहीं है इतने बड़े बड़े आंख हैं जगन्नाथ जी के इसलिए उन्होंने लेकिन हम तो इस रूप में देखते हैं लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे क्यों बने कारण क्या है। बोले राधा रानी का प्रेम को देख करके राधा जी के प्रेम को देख करके हैं ये श्री कृष्ण राधा जी के प्रेम में द्रवीभूत होकर के उन्होंने ये लकड़ी जैसे बन गई एकदम स्टैचू जैसे बन गई। क्यों? बोले कृष्ण प्रेम को राधा जी की प्रेम की चमत्कारिता को देख करके जगन्नाथ जी ये रूप धारण किए हैं इसलिए। लेकिन जब उन्होंने जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे वो कहते थे विग्रह न तुम संख्यात ब्रजनंदन बोले तुम विग्रह नहीं तुम तो स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण है
इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक अष्टक है, वो अष्टक में क्या कहते हैं, बोले कदाचित काल नीति तट विपिना संगत तरल मुदाभिरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जब उन्होंने जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं क्या देखते हैं, वृंदावन में कैसे जमुना नदी कलकल नाद से बह रही, जूई बेली चमेली सुंदर कैसे फूल खिले हुए हैं, कैसे सुंदर सुंदर वातावरण है, और कैसे उदाहरण दिया कृष्ण का क्या है, कहते गोपियों की मुख एक कमल को साथ में उदाहरण दिया, और जैसे कमल के ऊपर में भौरा बैठता है, कहते राधा रानी की जो मुंह है एक कमल है, और जगन्नाथ जी क्या एक भौरा बैठ करके जैसे मधु जैसे मक्खी कमल फूल का जैसे रसास्वादन करता है, जगन्नाथ भी राधा रानी की मुखार रूपी कमल को आस्वादन करते है, इसलिए और सर में मोर पंख है, हाथ में उनकी बंसुरी है, ठाकुर जी कैसे वृंदावन में कदम वृक्ष को नीचे खड़े होकर कैसे मीठे मीठे ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं, इसी रूप में जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही उनको लगा जगन्नाथ जी बुला रहे, जगन्नाथ जी उनको बुला रहे, महाप्रभु तो दौड़े जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए, क्यों जगन्नाथ जी को उन्होंने कृष्ण महाप्रभु राधा रानी भाव से जैसे राधा रानी कृष्ण को दर्शन करते हैं उनको पकड़ने के लिए राधा रानी दौड़ ली, उसी में दौड़े, जब दौड़े वहां पर बड़े बड़े पंडित लोगों तो बोलिए कहां से बाबा आ गया है, कहां से ये बाबा आ गया, और ये मंदिर में ठाकुर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे, पंडालों ने वहीं पर रोक दिया, जब रोक लिया ना महाप्रभु पर बेहोश होकर गिर पड़े, जब महाप्रभु बेहोश होकर गिरे इतने में सब लोग ने हाय हल्ला मच गया, कहां से एक लंबे चौड़े एक सुंदर सन्यासी आया, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, सारे को सारे पंडित लोग वहां पर गिर गए, इतने में पंडित लोग गुस्सा हो गए, इतने में से सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की इच्छा वहीं पर थे, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने सुने थे प्रेम का आठ लक्षण है, कितना लक्षण है आठ, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण स्तंभ है, वैवर्ण पांच उनकी लक्षण है, आठ आठ लक्षण है प्रेम की है, और ये आठ लक्षण में नियम होता है, अगर किसका आंख में आंसू आए ना स्तंभ नहीं आएगा, स्तंभ आएगा तो उनको अंदर में स्वेद नहीं आएगा, केवल एक प्रेम का अंदर एक प्रेम का लक्षण दिख सकता है, लेकिन महाप्रभु का शरीर में एक साथ में आठ आठ लक्षण दिख रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो उन्होंने तो शास्त्र पढ़े थे, कृष्ण प्रेम हो तो ये सब चीज होता है, लेकिन जिंदगी में कभी देखा नहीं, जिंदगी में पहला बार उन्होंने महाप्रभु का शरीर में ये सब चीजों को देखा, पहला बार जीवन में देखा, देख करके बोले भैया ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, ये कोई महापुरुष है, हैं? इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य सब जगह रोक दिया, रुको सबके सब, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे उसी समय में बहुत बड़े हैं, कभी बहुत बड़े विद्वान थे, राजा जिनको अपना गुरु मानता था, राजा इनको अपना गुरु पूरा यहाँ पर बड़े नामी व्यक्ति थे, सब रुक गया कुछ बोलना नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसको चलो इसको उठा करके मेरे घर में ले आ, तो उन्होंने उठा करके यहीं पर ले आए, जो यहीं पर ले आए, बाद में धीरे 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 जब उसको होश आया ना, इतने में पूछा भैया तुम कहाँ गए हो, बोले श्री नवद्वीप में, कह तुम्हारी पिताजी का नाम क्या, बोले श्री जगन्नाथ मिश्रा, बोले पिताजी का बोले लीलावर चक्रवर्ती, बोले लीलावर चक्रवर्ती ये तो हमारे परिवार के हैं, ये हमारी परिवार के तो वो भी वही कहते हैं बंगाल के, बोले हमारे तो परिवार के हैं, हमारे अगर किसको परिवार लग जाए नहीं परिवार उसको प्रति ज्यादा स्नेह आ जाता है, उसको प्रेम आ जाता है, महाप्रभु के उनको साचा पर इस कुछ परिवार क्या नाम था लीलावर लीलावर चक्रवर्ती लीलावर चक्रवर्ती, इसलिए तब उनके परिवार उनको स्वाभाविक रूप में उनको प्रति किस स्नेह आ गया, बोले देखो तुमने संन्यास लिया, कितने उम्र में संन्यास लिया, बोलो 24 साल में, और इतने लंबे चौड़े महाप्रभु कौरव वर्ण के इतने सुंदर थे 24 साल के, बहुत सुंदर महाप्रभु लग रहे थे, कृष्ण कितने सुंदर बताओ कितने सुंदर है, इसलिए गोपियां कभी कभी कहती है नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर रहे, अच्छा हो गया परमात्मा तेरे को लाली नहीं बना करके
लाला बना दिया। अगर तू लाली होती है ना, इतने सुंदर तू, सारा दुनिया अगर लाली होती तो युद्ध करके तेरे को पाने के लिए सारा युद्ध करके मर जाते थे। अच्छा हो गया लाली नहीं हो करके लाला हो गया। लेकिन उनको भी मात करने वाले कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण कितने सुंदर और उनसे भी सुंदर राधा रानी। अगर ये दोनों मिल जाए तो बताओ कितने सुंदर नहीं होंगे। महाप्रभु को नहीं, राधा कृष्ण मिलित विग्रह थी चैतन्य महाप्रभु को रूप देख करके, और उन्होंने विष्णु प्रिया को 17-18 साल उम्र की विष्णु प्रिया जवानी अवस्था में उन्होंने पत्नी को छोड़ करके इन्होंने भजन करने के लिए आए। देखो ये सन्यासी धर्म रखना कोई साधारण बात नहीं, इतने आसान नहीं। ब्रह्मा तक भी माया में मुक्त हो गए, संकल्प मोहिनी। श्री विश्वामित्र जी कहां भजन कर रहे थे पहाड़ ऊपर में, मैंने कहा कि चरण की नुपुर की एक झंकार से उनकी सारे भजन भजन खत्म हो गए। स्वयं नारद जी लक्ष्मी को पीछे पागल हो गए। नारद जी लक्ष्मी को शादी करने के लिए चाह, मतलब ये माया इतने बलवान। बोली तुम इतने सुंदर देखने में, अरे अपना ब्रह्मचर्य कैसे पालन करोगे? बोले देखो मैं तो अज्ञानी, मैं पागल पड़, मैं संन्यास ले लिया, बताओ कैसे भजन रक्षा कर सकते? बोले काम करो, तुम वेदांत सुनो, तुम वेदांत सुनो, वेदांत में शंकराचार्य को जो भाष्य है उसको सुनो। शंकराचार्य को जो भाष्य है उसमें क्या बताया कि जगत मिथ्या है, झूठा संसार है, कोई किसका है ही नहीं है, कोई किसकी है ही नहीं, ये शरीर तो एक किस पंच रचित ये अधम शरीर है। शरीर किस चीज में बनी हुई है? मिट्टी वायु आकाश जल से बनी हुई है। किसी अवसर पर फिर अंदर में क्या है? बोले खून पी टाटी पेशाब, और उसमें कुछ है नहीं। अब सवेरे देखो, अब अभी ब्यूटी पार्लर में जाओ, ब्यूटी पार्लर में सजती होगी ना, ब्यूटी पार्लर में जाओ, जाकर सज धज करके गरीबी का समय हो, केवल 5 मिनट बाहर में आ जाओ, देखना सारे खत्म तुम्हारी है। रोम रोम से बदबू, सबे उठो, आंख से बदबू, नाकों से बदबू, मुंह से बदबू, कानों से बदबू, नीचे से तो बदबू बदबू है, और थोड़ी सी पसीना आ जाए ना, देखना शरीर पूरा शरीर में इतने बदबू शरीर से आती है, इतने बदबू शरीर में आती है, खड़े नहीं हो जाएगा, इतने शरीर में बदबू है। इसलिए शंकराचार्य ने ये सब चीजों को लिखा है, ये एक संसार कैसे माया है, संसार कैसे माया है, और संसार में कुछ है नहीं, केवल केवल टाटी पेशाब का ये एक थली और कुछ इसमें है नहीं। शंकराचार्य मोहबुद्गर, जिसको मोहबुद्गर बताया, मोहबुद्गर उसको बताया, मोह के बुद्गर समझते हो, बुद्गर मतलब जिससे उठते, जिससे हथौड़ा, हथौड़ा गद्दा, गद्दा गद्दा जैसे घर का जो नीम नीम होता है ना, नीम को जैसे ईंट पत्थर देकर के मार मार कर इसको जैसे मोह को ये खत्म करने का इनका शंकराचार्य की जो भाष्य लिखे है, इसलिए हरे कृष्ण ठीक है। इसलिए उन्होंने बोले शंकराचार्य की क्या पढ़ाओ, शंकराचार्य का भाष्य को पढ़ो, तुम्हारी ये माया के प्रति तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने यहीं पर उन्होंने बैठा करके महाप्रभु को वेदांत सुनाया महाप्रभु को। लेकिन महाप्रभु ना केवल चुपचाप महाप्रभु बैठ करके सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, चुपचाप एकदम बैठ करके सुने। हाँ ना कुछ जो 7-8 दिन हो गया ना, महा सार्वभौम भट्टाचार्य बोले भैया मैं तेरे को सुना रहा हूँ, जैसे कोई थोड़ा समझ में आता गंभीर हो जाते हैं कथा के, लेकिन महाप्रभु तो चुपचाप, बोले तेरे पल्ले में कुछ पड़ रहा है कि नहीं, तेरे समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ तो बताओ। बोले देखो जब अब ये सूत्र बोलते हैं ना, ये सूत्र तो हमारी समझ में आ रही है, लेकिन जब इसकी व्याख्या करते हो, ध्यान से बोलते हो, जैसे मेघ जैसे सूर्य को जैसे ढक देती है, ऐसे ही तुम्हारी जो भाष्य है ना, जैसे सूर्य को जैसे मेघ जैसे ढक देती है। बोले क्या बोल रहे हो, भाष्य क्यों होता है, टीका क्यों होता है? जो मेन सूत्र को समझाने के लिए ये टीका होता है। तो कहते हो सूत्र को समझते हो, टीका को समझते नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसे ही। तो उन्होंने एक श्लोक है भागवत का, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अभिगुरु क्रमे कुर्वन् अहितु की भक्ति इतः भूत गुणाः। इसका मतलब होता है भगवान की हरि की जो महिमा
इतने भगवान के हरि के महिमा आत्मा में जो रमण करने वाले, जैसे सनातन आदि थे पहले ब्रह्म ज्ञानी, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन इन लोगों ने, लेकिन जब भगवान की भक्ति की महिमा सुने ना, वो भी सारे सब छोड़ छाड़ करके उनने भगवान की भक्ति में आ, भगवान की प्रेम में आ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक श्लोक को उन्होंने, एक श्लोक को उन्होंने, उन्होंने कितने तरह का उन्होंने व्याख्या की, कहते करके कितना तरह का व्याख्या किया, 64 नहीं ज्यादा किया, पहले उन्होंने 13 तरह का उन्होंने व्याख्या किया है एक श्लोक ऊपर में। तब महाप्रभु बोले मैं भी थोड़ा व्याख्या करूं, बोले तू क्या व्याख्या करोगे, तुम थोड़ी अलंकार शास्त्र पढ़े हो, तू साधारण व्याकरण पढ़ने वाले, तुमको क्या पता है। बोले हाँ यदि अगर आपका आदेश हो मैं थोड़ा व्याख्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने, उन्होंने जो व्याख्या किया ना वो मायावादी पर, मतलब भगवान ब्रह्मा निराकार निर्विशेष, लेकिन महाप्रभु जो व्याख्या की उनका कोई भी शब्द को टच नहीं किया, टच किए बगैर उन्होंने 18 तरह का व्याख्या किया, कितने तरह का, 18 तरह का उन्होंने व्याख्या किया, संपूर्ण भक्ति परक उन्होंने, संपूर्ण भक्ति परक उन्होंने व्याख्या किया है, हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने संपूर्ण भक्ति परक व्याख्या किया, सार्वभौम तो देख देख अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले ये क्या बोल रहा है, एक भी मेरा व्याख्या को स्पर्श तक भी नहीं किया, स्पर्श तक भी नहीं किया, संपूर्ण अलग व्याख्या उसने की, देख करके बोले भैया मैं सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं बृहस्पति स्वर्ग देवता का गुरु बृहस्पति, मैं स्वयं जिसको 13 तरह का 18 तरह का एक भी शब्द को मेरा स्पर्श नहीं किया, कभी एक साधारण इंसान को अंदर में कभी भी इतने विद्वता नहीं आ सकती, साधारण इंसान में इतने विद्वता कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा ये कोई साधारण बालक नहीं, तो उसने उनके चरण में गिर पड़े, बोले बताओ आप एक हो, क्योंकि आप साधारण बालक है नहीं, आप साधारण बालक नहीं। तो उन्होंने महाप्रभु देखो वहां पर देखो कृष्ण बन करके आया, वही कृष्ण कलि युग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके कलि युग में जीवों को उद्धार करने के लिए आया, मैं साधारण कोई बालक नहीं। तो उन्होंने 100 श्लोक में सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने 100 श्लोक में उन्होंने महाप्रभु की उन्होंने स्तुति की है। उसका जो पहला जो श्लोक है बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्ज तम अहम प्रपत्ति, ये पहला श्लोक है। इसका मतलब है बोले वैराग्य युग निज भक्ति योग सिख योग वैराग विद्या निज भक्ति योग, कहते कृष्ण स्वयं कलि युग में अपना भक्ति देने के लिए उन्होंने क्या किया, बोले वैराग विद्या निज भक्ति योग, वैराग का विद्या निज भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए वही जो पुराण पुरुष जो सनातन भगवान कृष्ण ने कलि युग में सच्चिदानंद श्री गौर हरि बन करके आए, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। फिर तो उनकी चरण में लोटपोट हो गए, फिर उनकी चला बन गए उनकी, इसलिए महाप्रभु जहाँ गए ना छोटे मोटे व्यक्ति नहीं सब बड़े बड़े व्यक्ति हो गए। ये तो राज पुरोहित थे, अगर राज पुरोहित अगर पकड़ लिया तो सर का अपने आप चोटी पकड़ के सबसे कैसे भी आ जाएगा ऐसे, इसलिए उन्हें राजा को पकड़े, राजा अगर बन गया चला बन चला दुनिया चला बन चला बन, इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति को महाप्रभु ने जब दिग्विजय दिग्गज थे पहले उनको महाप्रभु पकड़े, फिर तो उन्होंने महाप्रभु का पूरा शिष्य बन गए, उन्होंने पूरा शिष्य बन गए। पहले ये सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने महाप्रभु को भगवान रूप में मानना नहीं चाह रहे थे, बोले क्यों, बोले शास्त्र कहता है जो कितना है चार है, जो चार है, लेकिन शास्त्र बताया त्रिजोगी, हाँ बोले तीन योग है, लेकिन कलिजुग का अवतार कोई कुछ बात नहीं बताया, बोले क्यों नहीं बताया, बोले कलिजुग का जो अवतार ना प्रच्छन्न अवतार छुपा हुआ अवतार है, इसलिए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को जैसे दिखाया चतुर्भुज रूप में षड्भुज रूप में,
उन्होंने श्री तैती के मित्र को अष्टभुज रूप में दर्शन कराया। केशव काश्मीर को उन्होंने साक्षात माँ सरस्वती उनको साक्षात रूप में बताया भगवान है। इसलिए लेकिन महाप्रभु सबको मना कर दिया, खबरदार बोलना नहीं, भगवान सब बोलना नहीं, बोलोगे तो चक्र लेकर तुम सब काट डालूंगा, चक्र लेकर काट डालूंगा। इसलिए उनको त्रिजुगी बताए, क्योंकि जो कलयुग का जो अवतार नहीं बताया, क्योंकि कलयुग का अवतार प्रच्छन्न अवतार है। लेकिन शास्त्र में भागवत में वहां पर जब नेमि नवजोगेंद्र संवाद वहां पर जब श्री नेमि महाराज ने पूछा कलयुग का अवतार कौन है और कलयुग में अवतार कौन और उनको कैसे उपासना की जाएगी, तो वहां पर नवजोगेंद्र कहते हैं कृष्ण वर्णम तिसाम कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै जजति ही सुमेधस। इसलिए कहते कलयुग में कृष्ण वर्णम जो कृष्ण ये जो दो अक्षर जिसकी जुहा में हर समय कृष्ण केशव हर समय जिसका जुहा में कृष्ण नाम उच्चारण होगा। तिसाम जिसका शरीर का अंग कैसे होगा अकृष्ण मतलब काले नहीं गोरे बनेंगे, मतलब उनका अंग नित्यानंद अद्वैत आचार्य है। कलयुग में अस्त्र कौन है, कलयुग में अस्त्र श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए कहते उनका जो परिकर गदाधर श्रीवास आदि जितने भक्त लोग उनका परिकर, इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान करके कलयुग में कभी हरि नाम संकीर्तन को धर्म को उपासना करें। इसलिए भागवत में तीन श्लोक बताया गया, तीन श्लोक भागवत में जो कलयुग में वो किस रूप में आएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तीन श्लोक में बताया गया। इसलिए जब उन्होंने इस बात को बताए सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके भक्त बन गए, जो भक्त बन गए फिर स्वयं राजा भी भक्त बन गए, फिर तो महाप्रभु की यहाँ पर जय जयकार हो गया। इसलिए जो स्थान श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का ये घर है यहीं पर सर्वभुज और यहीं पर एक गोस्वामी यहीं पर भजन करती थी, वो थी पूर्व बंगाल की राजा की बेटी थी, बड़ी लिखी बड़ी विद्वसी लड़की थी। बचपन में उन्होंने गीता रामायण भागवत सारे ग्रंथ अध्ययन करके उनको संसार की अनित्यता को उपलब्धि हुई, फिर उसको ये ज्ञान हुआ भगवान ये जो मानव शरीर क्यों दिया, इसलिए मानव शरीर दिया, आए थे हरि भजन को मोटा देने के लिए। ये मानव शरीर केवल भगवत भजन के लिए, ये दुनियादारी के लिए मानव शरीर नहीं, ये चीज उनको पता चला। पिताजी ने बहुत कोशिश की शादी कराने के लिए, उनने शादी की नहीं, शादी करूंगा तो ऐसे बर को बरी हो, ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए, बराबरी गोपाल दुसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए कहते हैं ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए बोले ऐसे चूड़ी पहनो जो कभी टूटे नहीं है, ऐसे चुनरी ओढ़ो कभी छूटे नहीं है। कहते वो कौन है, बोले श्री कृष्ण। उनको ये उपलब्धि हुई, ये जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने यहीं पर आकर के उन्होंने भगवान की भजन करती थी और सारे गीता रामायण भागवत सारे ग्रंथ को अध्ययन की, यहीं पर वो कथा सुनाया करती थी, यहीं पर वो भगवान की कथा सुनाती थी और इतने सुंदर कथा सुनाती थी। धीरे धीरे राजा का जब पता चला विदुषी कोई एक महिला आई है जो बड़ी सुंदर भागवत कथा सुनाती है, इसलिए राजा भी कि हैं इनकी पास में ये भागवत कथा सुनते थे। राजा भी कथा गंगा सागर जो क्या बोलते दशहरा आई, दशहरा में सबके सब गंगा स्नान करने जाती है, लेकिन उसने प्रतिज्ञा ली थी ये क्षेत्र छोड़ करके पूरी छोड़ करके और मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन आ गया दशहरा में गंगा स्नान करने का बड़ी महत्व है, सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन इनकी मन में भी इच्छा हुई मैं भी गंगा स्नान करूं, लेकिन इन्होंने क्या लिया था क्षेत्र सन्यासी, क्षेत्र सन्यासी मतलब क्षेत्र छोड़ कर कभी बाहर में नहीं जाऊंगा। लेकिन देखो
जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले तुम्हार हृदय सदा गोविंद मिश्रा भैया, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, हैं भक्ति करते हैं, उनको गंगा स्नान करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि संतोष तेन गदा पृथम, वो भगवान की भक्ति करने का नाते, भजन करने का नाते, भगवान का निवास कहाँ होता है, बल्कि भक्तों का हृदय, वैष्णव हृदय सदा वैष्णव का हृदय में ही निवास करते हैं। फिर अगर भगवान निवास करते हैं, पर ये साधु लोग फिर क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए, ये गंगा जमुना में ये साधु क्यों जाते हैं, बोले साधुओं को जरूरत नहीं गंगा जमुना स्नान करने का, क्यों उनके हृदय में ठाकुर बैठे हैं। तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी, वो तीर्थों को तीर्थ तो प्रदान करने के लिए, जो पापी लोग जाकर गंगा में स्नान करते हैं लेकिन वैष्णवों का इतने महिमा, वैष्णव लोगों का जब वैष्णव लोग जाकर के स्नान करते हैं, वो जितने उसका पाप को वैष्णव लोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर तीर्थ को तीर्थ तो प्रदान करते हैं, तीर्थ को उन्हें पवित्र बना देते हैं, इसलिए साधु लोग तीर्थ में जाते हैं। इसलिए ये तो भक्ति करने वाली, भजन करने वाली, लेकिन इनकी मन में इच्छा हुई हम गंगा स्नान करने के लिए जाए। जब रात को सो रहे थे ना, हठात उन्होंने देखा गंगा स्वयं श्री जगन्नाथ जी के चरण से, गंगा कौन है, ठाकुर जी की चरणामृत, जगन्नाथ जी की चरण से साक्षात गंगा प्रकट हुई, और हजार हजार लोग बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हो, हजार हजार लोग स्नान कर रहे थे, शंख ध्वनि उल ध्वनि कर रहे थे, हजार हजार लोग स्नान कर रहे हैं, हजार हजार लोग स्नान कर रहे थे। गंगा माता गोस्वामी नहीं, हाँ पहले उनका नाम था सची देवी, तो उन्होंने देखा गंगा तो यहाँ प्रकट हो गई, गंगा तो यहीं पर, उन्होंने क्या की गंगा में उतर गई, स्नान करने लगी, और गंगा बहाते बहाते कहाँ ले गया, जगन्नाथ जी के चरण में ले गया। तो ले गया, इतने में जो पंडा लोग थे बोले भैया इसके अंदर में ये हयोला की आवाज क्यों आ रही, ये तो जगन्नाथ मंदिर बंद पड़ा हुआ, हयोला की आवाज क्यों आ रही, इतने करते उन्होंने बुलाए पंडा करके देखा, अंदर में कोई है नहीं, अंदर में केवल यही सच दे। बोले भैया ये तो बड़ा दुष्टा है, हम राजा स्वयं जिनकी कथा सुनने जाते हैं, और पूरा पुरी में इसकी महिमा, हाँ पूरा महिमा फैला हुआ था, बड़े जगन्नाथ जी की भक्त बड़े सुंदर कथा बोलते हैं, बोले हैं कहते मुंह में राम नाम बगल में छुरी, बोलते हैं ना मुख में हरिनाम कर भजन करती है, और ये छुप कर गई, ये मंदिर में छुप गई थी, क्यों जगन्नाथ जी के शरीर में जो सोना चांदी चोरी करने के लिए ये अंदर में छुप गई थी, इतने बोले इसको पकड़ो उसको जेल में बंद कर दो, राजा ने इसको जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया ना, जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया, बोले देखो राजा ये मेरे परम भक्त है, ये मेरी परम भक्त है, इसकी इसने क्षेत्रवास किया, क्षेत्र छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, इनके मन में इच्छा थी मैं भी गंगा स्नान करूं, इसलिए मेरे चरण से ये गंगा प्रकट हुई, प्रकट होकर के उसने मेरी इच्छा से उन्होंने गंगा में स्नान करते हुए वो मेरे अंदर में आ गई, मैं इसकी महिमा को जगत में दिखाना चाहता था, ये कोई चोर नहीं, ये मेरे परम भक्त, जाओ उसको जेल से मुक्ति करा दो, मुक्ति करा के तुम इनकी शिष्य बनो, इसकी चेला तुम बनो, शिष्य बनो, शिष्य बन जाओ और इनकी खाने पीने का व्यवस्था करो। राजा तो जल्दी गए, उनको जेल से मुक्त कराया, राजा इनकी चेला बन गए, इनकी चेला राजा चेला स्वयं बन गए, और इनके लिए रोज व्यवस्था किया, क्या व्यवस्था किया, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है ना हाड़ी में बनता है, रोज इनके लिए दाल सब्जी चावल, जगन्नाथ का जो प्रसाद बनता है उनका रोज ये प्रसाद उनके पास में आने चाहिए। अभी भी वो धारा अटूट रूप में, अभी भी इसी मंदिर में जगन्नाथ जी का प्रसाद
अभी भी यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर ठाकुर जी को यहाँ पर भक्त लोगों को ये प्रसाद मिलता है। इसलिए जो गंगा जहाँ पर गंगा प्रकट हुई, अभी हम वहाँ जाएंगे, एक सरोवर है जहाँ पर गंगा स्वयं वहाँ पर प्रकट हुई और उसका आचमन लेने पर तुमको गंगा स्नान का फल यही मिल जाएगी। ये गंगा प्रकट हुई कहाँ से? जगन्नाथ जी के चरण से ये गंगा प्रकट हुई। अभी हम लोग जाएंगे गंगा में स्नान करेंगे, ठीक है? कौन स्नान करना चाहे सबके साथ आचमन लेना, सबके साथ आचमन लेना, सबके साथ, ठीक है? आचमन लेकर के हमारे जो विदेशी भक्त लोग हैं, विदेशी जो भक्त है, बोल दो आप लोग गेट से ही पतित पावन का दर्शन हो जाएगा। कहते जो पतित पावन है, ये इनका नाम ही पतित पावन। पतित पावन मतलब क्या? जो पतितों को जो पवित्र करने वाले, पतित पावन जगन्नाथ। कहते एक भक्त हुए वो साल बैग हुए, साल बैग हुए जिनकी मैया थी ब्राह्मणी और पिता थे मुसलमान। ब्राह्मणी बड़ी सुंदर थी, ब्राह्मणी बड़ी सुंदर थी। ये मुसलमान राजा ने जोर जबरदस्ती उन्होंने ये ब्राह्मणी को उन्होंने जोर जबरदस्ती अपनी रानी बना ली। और उसकी गोद से जो एक लड़का जन्म हुआ उसका नाम पड़ेगा साल बेग, मुसलमान। पिता मुसलमान, माँ तो ब्राह्मणी थी लेकिन माँ तो हिंदू घर की है, इसलिए बचपन में उनको जगन्नाथ जी कथा सुनाते थे। बोले देख बेटा, बच्चे को ऊपर किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है? माँ, क्योंकि माँ के पास में बच्चा ज्यादा रहता है, इसलिए माँ जो बोलती है वही सुनता है। उनको समझाया करता था, देख बेटा हम लोग हिंदू हैं और हमारा जो हिंदू को ठाकुर जी जगन्नाथ जी, हम हिंदू घर के, लेकिन राजा हमें जोर जबरदस्ती अपना रानी बना है, इसलिए हमारा ठाकुर जगन्नाथ जी। इसे जब साल बेग ने आए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ के जो पंडित लोग मुसलमान भोजन नहीं दिया, लेकिन उसकी इतने भक्ति के प्रभाव थी, इतने भक्ति के प्रभाव थी, उसने जगन्नाथ जी के मंदिर को सामने बैठ करके ऐसे भजन गाए, ऐसे भजन गाए, जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ दिए। जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी मंदिर अंदर से बाहर जगन्नाथ जी आ गए। इतने इनकी भक्ति की महिमा, प्लस श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए कहते, इसलिए वो ठाकुर का नाम पतित पावन है, पतित लोगों को भी जो उद्धार करने वाले। जब वो ठाकुर को कोई दर्शन कर ले, दर्शन करने पर उनको जगन्नाथ दर्शन करने का फल मिलता है। इसलिए हमारे जो बाहर जो भक्त लोग आए हैं, कहते अब लोग जगन्नाथ दर्शन, कहते वो ठाकुर जी को दर्शन कर ले, उनको दर्शन करने से जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। और जो हमारे जो इंडियन लोग है ना, हम लोग अंदर में चले जाएंगे, जाकर के जगन्नाथ जी का मंदिर परिक्रमा कर लेंगे, जगन्नाथ जी दर्शन करके जल्दी जल्दी निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि आज श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद है। आज श्री मंदिर में जगन्नाथ जी की, हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, आज विचित्र दीदी की, विचित्र दीदी आज दीदी ने सबको भक्त लोगों के लिए प्रसाद दिए है। कल भी रशिया के भक्त और दो पति भी जगन्नाथ जी का प्रसाद, कल भी जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलेगा। इसलिए देखो जगन्नाथ जी का प्रसाद की महिमा सुनो, ध्यान देकर सुनो। Now we are listening to Honey the Glory of the Jagannath Mahaprasad. You are listening one story, very good story. How the Jagannath Mahaprasad, how the very, very famous one little story you can listen. कितने महिमा जगन्नाथ जी प्रसाद। बोले एक समय श्री नारद जी ने सुना है, जो एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद पाएगा वो संपूर्ण जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के भगवान का धाम में चले जाएगा। एक दिन उन्होंने माँ लक्ष्मी को, श्री जगन्नाथ जी के पास में, नारायण के पास में आए, बोले प्रभु थोड़ी सी प्रसाद। नारायण बोले देखो ये प्रसाद मेरी अधिकार नहीं, ये प्रसाद लक्ष्मी दे सकती, क्यों खाना बनाती है लक्ष्मी वही मेरे को खिलाती है, उसको बाद में प्लेट में जो बच जाती है ये लक्ष्मी क्या करती नहीं करती, घर का मालिक ऐसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी से पूछो। तब उन्होंने लक्ष्मी को पास में गई, लक्ष्मी तो डांट लगा करके उनको भगा दिया, बोले कितने कष्ट करके मैं खाना बनाती हूँ, खाने के बाद जो प्लेट में बच जाती है उसको मैं खाती हूँ, तुम बीच से कहाँ से भागी यहाँ से? प्रसाद बता तो कुछ नहीं। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को पास में गए, बोले मैया तो भगा दी। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर सकते हो? बोले बताओ। बोले मेरे मंदिर में पीछे कुआ है, ढका हुआ है, कुएं में स्नान करो, स्नान करते ही तुम्हारी ये शरीर बदल जाएगी और तुम एक सुंदर गोपी मूर्ति धारण करोगे। ये गोपी मूर्ति लेकर के तुम श्री लक्ष्मी के पास में जाओ,
और खूब लक्ष्मी की सेवा करो, इतने तुम सेवा करो, इतने सेवा करो जैसे कुछ दिए बगैर रह ही नहीं सकती। फिर जब वो इतना खुश हो जाएगी, जब कुछ देने के लिए बोलेगी, उनको तीन बार कसम खिला, कितना बार? तीन बार कसम खिला, मांगो तो कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ। उसने जा करके घटाया, देखा कुआ है, स्नान किया तो गोभी बन गया। अरे माँ लक्ष्मी को पास में गई, उनकी चरण की इतने सेवा की, इतने सेवा की। जब कोई पत्नी, जब पति की ज्यादा सेवा करती है ना, पति को पता चलता है दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, जब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाए, खूब मीठी मीठी बोली, बट पति को अपने आप पता चल जाता है, क्या पता कुछ मांगने वाली है, है ना, है कि नहीं? ये कुछ बोल मांगने वाली तभी इतना कर गई है, ये तो करेगी नहीं, इसलिए उन्होंने समझ गई भैया ये इतने क्यों ये सेवा कर रही है। जब पति से ज्यादा निकालना चीज हो ना, वो ज्यादा बोलती है, ज्यादा करती है, तब उन्होंने इतने रीच गई, बोले तुम्हें क्या चाहिए, इतने तुम सेवा करते, बता क्या चाहिए। बोले तीन बार कसम खा, तीन बार कसम खा, बोले थोड़ी सी ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी की जगन्नाथ जी श्री नारायण का थोड़ा प्रसाद दो। लक्ष्मी तो ये प्रसाद का महिमा तो सब नहीं जानते, और ये छुप करके इतने सालों से इतने सेवा क्यों कर रही थी, ये कोई साधारण नहीं है। बोले तुम बताओ, हे कौन तुम, असली बात बताओ, तुम हे कौन जो बोले ना, तब श्री नारद जी, श्री नारद जी प्रकट हुए। बोले नारद बाबा की, नारद जी प्रकट हुए। बोले तुम आया था ना कितने हजार साल पहले प्रसाद लेने के लिए। बोले हाँ। बोले तुमको ये रास्ता किसने बताया? बोले ठाकुर ने बताया, ठाकुर ने बताया, और उसने कसम खा चुकी थी। जब ठाकुर जी की प्रसाद दाल भात सब्जी, जब उनने प्रसाद पा लिए ना, तब उन्हें दाल भात सब्जी सब मिला कर थोड़ा माधुरी बनाए, उनको श्री नारद जी को दिया। हे नारद जी प्रसाद पाए, फिर तो नाचना शुरू कर दिया नारद जी। उनने नाचते 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 इतने खुश हो गए, पहुंच गए कैलाश। शंकर जी ने देखा, ये तो आनंद है ही अंदर, लेकिन आज जितने आनंद है ना, और कभी तो इतना आनंद दिखता नहीं, जरूर कुछ कारण। बोले भैया आज इतने क्यों उछल कूद क्यों कर रहे हो, इतना नाच क्यों रहे हो? बोले भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। इतने में शंकर जी बोले, देखो प्रसाद अकेले नहीं खाने चाहिए, प्रसाद बांट कर खाओ ना बैकुंठ जाओगे, प्रसाद बांट कर खाओ तो बैकुंठ जाओगे, अकेले प्रसाद नहीं खानी चाहिए, थोड़ा बहुत है कि नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत दे दो। बोले अरे कितने सालों के बाद में थोड़ी सी मिला, मैं तो पूरा के पूरा खा लिया। बोले पूरा के पूरा खा लिया? बोले हाँ। बोले देखो ना, थोड़ी बहुत लगा होगा, केवल एक चीका उनका हाथ में, एक चावल का हाथ में। बोले भैया इतना ही प्रसाद बहुत है। उनने जब प्रसाद खाए, उनके हृदय में इतने प्रेम उमड़ा, वो एकदम शंकर जी तांडव नृत्य शुरू कर दिए, शंकर जी तांडव नृत्य। अरे भैया पार्वती बोली, भैया क्या बात है, ये शंकर जी नारद इतना क्यों उछल कूद रहे, क्यों नाच रहे? बोले क्या बात है, आज क्यों इतना आनंद में नाच रहे हो? बोले ठाकुर का प्रसाद मिला, नारायण का प्रसाद। बोले देखो पत्नी हूँ मैं, अर्धांगिनी, जो कुछ पति को मिले आधा हिस्सा पत्नी को होता है, किसकी होती है? आधा हिस्सा पत्नी के, मेरे लिए रखेगी नहीं। बोले बोले एक अन्न का दाना था, बोले जो कुछ क्यों नहीं हो, उसमें आधा हिस्सा मेरी है, मेरे लिए रखे। बोले नहीं, मैं तो खा लिया। बोले ये नारद भी बड़े स्वार्थी, ये शंकर भी बड़े स्वार्थी बने। बोले मैं और ये कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं कहां जाऊंगी? श्री जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी जाकर के वहां विमला रूप में जब जगन्नाथ जी को भोग लगेगा ना, सबसे पहले प्रसाद मुझे मिलेगा। घर की माँ क्या करती है? पहले बच्चों को खिलाती है, बच्चे को खिलाती है, बाद में खाती है, सबको खिला पिला करके बाद में खाती है। माँ माँ है ना, ममता रहती है, माँ के हृदय में ममता रहती है, सबको खिला पिला कर खाती है। कहते मैं जाऊंगी तो मैं अकेले नहीं खाऊंगी, पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद मुझे मिलेगा, हैं? फिर मैं खा करके तुम दोनों जैसे स्वार्थी नहीं, सारा दुनिया को प्रसाद मिलाओ। इसलिए बोले जगन्नाथ जी का भात और जगत पसार हार, जगत पसार हार, जगन्नाथ जी का भात। अब जाकर देखो हजार हजार लोग प्रसाद पाते हैं, हैं? इसलिए हर जगह में प्रसाद, लेकिन पुरी में प्रसाद नहीं,
ये महा महा प्रसाद पुरी में, महा महा प्रसाद पुरी में, क्योंकि पहले जगन्नाथ जी उसके बाद में श्री माता वैष्णवी देवी प्रसाद पाती है, इसलिए प्रसाद की महिमा बड़ी महिमा। वहां पर चारों तरफ में 33 करोड़ देवता बैठे हुए, वहां पर जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, एक ब्राह्मण देखो कि वृद्ध व्यक्ति एक इतना बड़ा जो मजीरा होता है ना, ऐसे ऐसे बजाते बजाते पूरा मंदिर चारों तरफ में घूमेगा, चारों तरफ में बोले क्यों, बोले जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है, हे देवताओं 33 करोड़ देवता आ जाओ जगन्नाथ जी प्रसाद है, सारे देवता केवल प्रसाद के लोग सब आज वो प्रसाद जो प्रसाद ब्रह्मा शंकर नारद जी के नसीब में भी नहीं जुड़ता है, आज मंदिर में आज ये प्रसाद हमें मिलेगा। ये ठीक है, इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद की जो महिमा ना, बहुत जगन्नाथ महिमा प्रसाद की बहुत महिमा, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर ना ब्राह्मणों को हर समय प्रसाद मिलाते, यहाँ पर प्रसाद मिलाना बड़े भाग्य की बात, प्रसाद मिलाना। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे।